2009 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा पारित हुआ। 1 अप्रैल 2010 से ये पूरे देश में लागू है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर के। इसे संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 21 क में जोड़ा गया है जीने के अधिकार के साथ। इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा यानी कि वर्ग 1 से 8 तक देने की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम में 7 अध्याय और 1 अनुसूची है। 7वें अध्याय में, पहले अध्याय में प्रारंभिक अधिनियम में आए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या है, जैसे बच्चा क्या है, वंचित समूह का बच्चा क्या है, कमजोर वर्ग का बच्चा क्या है, आरंभिक शिक्षा विद्यालय आदि को परिभाषित किया गया है। अध्याय 2 में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, इससे संबंधित बातें दी गई है। 3रे अध्याय में उपयुक्त सरकार, स्थानीय प्राधिकरण और अभिभावकों के कर्तव्यों को समझाया गया है। 4वें अध्याय में विद्यालय और शिक्षकों के दायित्वों की चर्चा की गई है, जिससे कि हम लोगों का प्रश्न है। 5वां है पाठ्यचर्या एवं आरंभिक शिक्षा की समाप्ति, पाठ्यचर्या किनके द्वारा किस प्रकार तैयार की जाएगी, इस पर चर्चा की गई है। 6ठा है बच्चों के अधिकारों की रक्षा किस प्रकार की जाएगी। 7वां मिश्रित है, उसमें केंद्रीय, राज्य, स्थानीय सरकार, विद्यालय एवं अभिभावकों का दायित्व है। अनुसूची में विद्यालय के लिए मानक और प्रमाणक दिया हुआ है, एक विद्यालय में किस प्रकार की सुविधा होनी चाहिए और शिक्षक बच्चों का क्या अनुपात होगा। आगे जानते हैं हम लोग, शिक्षकों का दायित्व यानी अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा अधिनियम लागू करने में शिक्षकों का क्या दायित्व है, किसे जानेंगे। तो पहला है विद्यालय की नियमितता एवं समय निष्ठा कायम करना। यह शिक्षकों का दायित्व है कि स्कूल समय से खुले और हम सभी शिक्षक भी समय पे वहाँ पे उपस्थित रहें। दूसरा है निर्धारित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करवाना, यानी सिर्फ विद्यालय जाए ही नहीं, स्कूल में पढ़ाए भी और जो पाठ्यक्रम है उसे समय पर पूरा करें। तीसरा है बच्चों की अधिगम योग्यता का मूल्यांकन करना एवं आवश्यक निर्देश देना, इसके अंतर्गत हमें बच्चों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना है। इसके बाद अगला है अभिभावकों के साथ नियमित बैठक आयोजित करना और उसमें बच्चों की उपस्थिति, सीखने की योग्यता, प्रगति इत्यादि से अवगत कराना, अभिभावकों को बताना कि बच्चे विद्यालय में कैसा प्रोग्रेस कर रहे हैं। इसके बाद है बच्चों को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, शिक्षक निजी ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे और अंत में सभी पक्षों के साथ हमें समान व्यवहार करना है और सभी शिक्षक अपने विषय में पारंगत हों और पढ़ाने में बाल केंद्रित शिक्षा भी हो पाए।